अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने अनियन को कट कर लिया है। ऐसे ही हमारे पास कैप्सिकम थे, आपके पास जो वेजिटेबल्स हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे पास येलो, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम थी, तो मैंने इसका भी यूज़ करा है। इसको अच्छे से स्लाइस में कट कर लेंगे, ये ऐसे हमने कट करा है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये हमने रेड एंड येलो ग्रीन कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लिया है स्लाइस में। ये हमारी वेजिटेबल कट हो चुकी है। और आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर रोटी से पिज़्ज़ा। तो ये हमने पैन में वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए 1 चम्मच ऑयल लिया, उसमें हम इस अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल के फ्राई कर लेंगे। इसमें हम एक रोटी पे एक साइड एक रोटी पे हमने अपने सॉस लगाएंगे, उस पर हम थोड़ा सा मायो डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इस पे चीज़ को शामिल करेंगे। चीज़ को अच्छे से शामिल करके इसी के ऊपर अब हम अपने अच्छे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आता है तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। ऐसे वो खा भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। और हमने ये दूसरे भी रोटी पे उसी तरीके से हमने लगाया है और थोड़ा चीज़ को शामिल करेंगे, इस पे ऐड करेंगे। और उसके बाद हम जो आप फ्राई करी थी उसको शाम पर अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा चीज़ को ऐड करेंगे और आपको जैसे अच्छे लगे आप उतनी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब उसी पैन में हम अपने पिज़्ज़ा को रखेंगे बेक होने के लिए। ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें देखिए हमने 2 चम्मच पानी का शामिल करा है कि नीचे से अच्छे से रोटी बने जले ना, पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना लगा, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुई है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।